अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम एनालॉग इनपुट के बारे में पढ़ेंगे कि एनालॉग इनपुट की प्रोग्रामिंग हम अपने WPL सॉफ्टवेयर में किस तरह बनाते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डिजिटल इनपुट की प्रोग्रामिंग करी थी और उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी जिसमें हमारे पास टाइमर, काउंटर्स और डिफरेंट कंपैरेटर्स थे हमारे पास। तो अगर उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनालॉग इनपुट की प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं आपको यहाँ पर मैनुअल खुलकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एनालॉग इनपुट के जो चैनल्स हैं वो चार चैनल्स हैं हमारे पास जो हमारे हार्डवेयर में भी कनेक्टेड हैं, जो कि चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3 हैं। यानी चार चैनल्स हैं 0 से लेकर 3 तक, और ये इसकी जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं वो D1110, D1111, D1112 एंड D1113। यानी ये चार स्पेशल डेटा रजिस्टर्स हैं हमारे पास जो कि हमारे एनालॉग इनपुट को स्टोर करते हैं। देखिए, हमने जब डिजिटल इनपुट की प्रोग्रामिंग करी थी तो उसमें सिर्फ सिंपल हमने इनपुट के लिए X0, X1 लिया था, लेकिन जब हम एनालॉग इनपुट पर आते हैं तो एनालॉग इनपुट क्योंकि कंटिन्यूसली वैल्यू जनरेट कर रहा होता है तो उसके लिए हमें अपने आप यहाँ पर हमें एक डेटा रजिस्टर को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, विदाउट यूजिंग डेटा रजिस्टर वी कैन नॉट परफॉर्म द एनालॉग प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो एनालॉग प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेंसर है जो कि 0 to 10 volts का जो है सिग्नल वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे उसका आउटपुट है। फॉर एग्जांपल, ये एक लेवल सेंसर है और ये लेवल सेंसर जो है एक टैंक या किसी भी कंटेनर का लेवल बता रहा है और वो 0 to 10 volts का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो ये जो आउटपुट जो है हमारे सेंसर का आउटपुट, ये हमारे एनालॉग इनपुट का जो हमारा एनालॉग इनपुट चैनल है उसका इनपुट बनेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास चार यहाँ पर एनालॉग इनपुट चैनल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर याद हो मैंने एक Delta PLC के हार्डवेयर पे वीडियो बनाई थी, उसको लाजमी देखिएगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। उससे ये होगा कि आप हार्डवेयर के बारे में फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, जितना अच्छा आपको हार्डवेयर से फेमिलियरिटी होगी उसी तरह से आप जो हैं इसको इसके जो हैं प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके बताऊँ आपको। तो यहाँ पर जो है हम एनालॉग आ गया हमारे पास और यहाँ पर जो है हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पर LDM1000 लेता हूँ मैं। आपको M1000 का पता है, ये कंटिन्यूसली ऑन होता है जब हम अपने सॉफ्टवेयर को रन मोड में लेकर आते हैं। और यहाँ पर जो है मैं मूव की कमांड यूज़ कर रहा हूँ और एनालॉग इनपुट चैनल नंबर 0 यूज़ करें, यानी कि पहला एनालॉग इनपुट चैनल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए D1110 करूँगा यूज़ और मूव करा दूंगा उसको किसी भी डेटा रजिस्टर में D0 में। ठीक है, ये मूव क्यों करा है, क्योंकि हमारे पास अब हमने अपने इस सिग्नल को आगे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं इस रजिस्टर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी वैल्यू को मैं मूव कराऊंगा D0 में और फर्दर कैलकुलेशंस के लिए मैं इस D0 को यूज़ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम स्केलिंग करते हैं, इसकी स्केलिंग क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले स्केलिंग कर लूँ, यहाँ डिवीजन करा रहा हूँ मैं D0 की K200 है, और इसको स्टोर करा देते हैं अगेन किसी भी डेटा रजिस्टर में। मैं D10 ले रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हो क्या रहा है कि देखें, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है वो 0 to 10 volts का है। ठीक है, लेकिन ये क्या एक एनालॉग सिग्नल है, हमारे पास जो PLC है वो एक आपका जो है उसका जो CPU है, जाहिर सी बात है जो एक कंट्रोलर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है 0 to 1। तो जो हमारा ये 0 to 10 volt का सिग्नल आ रहा है ये हमारे ADC से गुजरता हुआ जा रहा है। वो ADC कहाँ पर लगा है, वो ADC हमारे एनालॉग इनपुट के चैनल पर लगा है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा सकूँ, ये एक सिग्नल यहाँ पर हमारे पास एक सिग्नल आ रहा है, देखें ये मैंने जूम कर लिया, थोड़ा सा है ब्लर लेकिन समझ आ जाएगा। ये हमारे पास चार एनालॉग इनपुट चैनल है, पहला एनालॉग इनपुट चैनल, दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार जो है एनालॉग इनपुट चैनल्स हैं जिसमें हम वायरिंग करेंगे इसकी। तो अभी जो हम वायरिंग कर रहे हैं वो एनालॉग इनपुट चैनल 0, यानी पहले एनालॉग इनपुट चैनल में इसकी वायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास जो ADC होता है वो इसी जगह पर कनेक्ट होता है हमारे एनालॉग इनपुट चैनल की तरफ। ठीक है, अब वो ADC क्या करता है, वो 0 to 10 volts को जो है एक एनालॉग सेंसर को एक एनालॉग वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। अब उसकी रेजोल्यूशन क्या है, जो हमारा ADC है यहाँ पर वो 11 बिट्स का है। 11 बिट का मतलब है 2 की पावर 11, जो कि इक्वल टू होता है 2048 के। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने उस 2048 को 2000 कंसीडर कर लिया। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास सेंसर 0 वोल्ट प्रोवाइड करेगा तो वो 0 होगा हमारे एडीसी के लिए, ठीक है, यानी एनालॉग इनपुट चैनल के लिए 0 होगा। जब वो 10 वोल्ट प्रोवाइड करेगा हमारा सेंसर तो ये क्या होगा, 2000। इसका मतलब है जब 5 वोल्ट देगा तो वो 1000 इसकी वैल्यू होगी। अब इसको कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है थोड़ा सा मैं इसको बता दूँ। स्केलिंग हमने करी है, अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये हमारी स्केलिंग है। इस स्केलिंग में हो क्या रहा है, हम अपने किसी भी ऑपरेटर या कोई भी हमारे पास जो हमारा इंजीनियर हो या किसी, उसके लिए हम डेटा रीडेबल बना रहे हैं। यहाँ पर रीडेबल डेटा कैसे बना रहे हैं, थोड़ा इसको मैं रन कर कर समझाता हूँ आपको। यहाँ पर जो है मैं इसको रन करने से पहले, यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, चेंज प्रेजेंट वैल्यू जाता हूँ उस पर। अब देखिए यहाँ पर D111 0 जो कि मेरा एनालॉग इनपुट चैनल है, तो मैंने हार्डवेयर पे कुछ कनेक्ट नहीं करा, ना PLC मेरे पास अभी फिजिकली कनेक्टेड है, तो मैं D111 0 पे यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर पहले वैल्यू लेता हूँ 200। 200 का मतलब है कि अभी हमारा सेंसर 1 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है जो हमारे पास हार्डवेयर पे D111 0 जो इनपुट चैनल नंबर 0 है उस पर 1 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है। तो 1 वोल्ट के कंपैरेटिवली वो क्या कर रहा है, 200 हमारे एडीसी पे जनरेट करा रहा है। वो टू उस 200 को मैंने मूव करा दिया D0 में। अब स्केलिंग वाला जो हमारा रंग है उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें डिवाइड हो रहा है D0 किससे, 200 से। चूंकि 200 जब 200 से डिवाइड होगा तो मेरे पास वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मतलब ये मेरे वोल्टेजेस हैं जो मेरे एनालॉग इनपुट चैनल 0 पर इस वक्त आ रहे हैं। अगर हमारा चैनल 20 से 200 से मैं इसको 2000 करता हूँ तो हमारे पास देखें 10 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास 10 वोल्ट का सिग्नल हमारे एनालॉग इनपुट चैनल पर आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसको चेंज करके 1000 कर देते हैं तो ये अराउंड आपके पास 5 वोल्ट का सिग्नल दे रहा है। तो क्या हो रहा है, मैंने मूव क्यों कराया इसको D0 में, मैं D111 0 हमने डायरेक्टली क्यों नहीं यहाँ डिवाइड कराया, क्योंकि यहाँ पे एक लाइव वैल्यू आ रही होती है, ठीक है, एक एवरेज वैल्यू कंटिन्यूसली। अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँ तो हो सकता है मेरे पास कोई गार्बेज वैल्यू आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको D111 0 पे जो वैल्यू आ रही है इसको एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो है मूव कराते हैं, और फिर थ्रू आउट द प्रोसेस जो है हम उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर D0 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, D0 को सिंपल 200 से डिवाइड कराया, और यहाँ पर हमारे पास सेंसर पे जो सेंसर की वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट आ रही है। ये तो सिनेरियो था कि अगर हमारे पास यहाँ पर 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल जो है सेंसर है, अगर हमारे पास यहाँ 0 to 10 वोल्ट के बजाय 0 to 5 वोल्ट का जो है सेंसर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 400 लिख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 400 आपको करके दिखाता हूँ, इसको ऑफलाइन करते हैं और यहाँ पर इसको 400 कर लेते हैं, दोबारा जो है हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं एंड देन ऑनलाइन ले लेते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पर, अब क्या हो रहा है, जब यहाँ पर 1000 आ रहा है तो हमारे पास 2 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक। इसको दोबारा चेंज करते हैं यहाँ पर जाके, और यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ इसको 2000। तो अब देखें 2000 जब आएगा तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट देगा। 2000 क्या है, एडीसी की वैल्यू है जो कि अराउंड 2048 है, जिसको हमने 2000 सपोज कर लिया है। तो अब क्या हो रहा है, 2000 यहाँ पर आ रहा है और 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमें 5 वोल्ट दे रहा है। तो अब आपके पास, आप किसी भी सेंसर की प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हैं अगर आपको ये स्केलिंग का पता है, और आपको मूव की कमांड आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एनालॉग इनपुट चैनल को अगर आप यूज़ करते हैं। अगर देखें यहाँ पर हमने D111 0 यूज़ किया जो कि हमारा पहला एनालॉग इनपुट चैनल है। मैं इसके बजाय D111 1 भी यूज़ कर सकता था जो कि हमारा दूसरा एनालॉग इनपुट चैनल होता। सेम प्रोग्रामिंग ऐसी ही होती, बस आपने डिवीजन का ख्याल रखना है कि आप किस वैल्यू से डिवाइड करा रहे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये D10 पे जो वैल्यू 5 आ रही है ये क्या है। ये बेसिकली एक रीडेबल डेटा है कि हमारे पास इस वक्त जो सेंसर है वो कितने वोल्टेज जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है, अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ी सी और जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम कोई कंपैरेटर लगा सकते हैं यहाँ पे। और कंपैरेटर के लिए हम क्या करते हैं, एडली लेसन लगाते हैं और इसको हम कंपेयर कराते हैं अपना D10 से, और यहाँ पर लिख देते हैं K2, और एक आउटपुट ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये आउटपुट कब हमारा ऑन होगा, जब हमारे पास 2 वोल्ट से कम जो है वोल्ट्स आते रहेंगे। जैसे ये
टू वोल्ट्स को एक्सीड करेगा हमारे पास ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं अगेन, सिमुलेटर ऑन है हमारा, हम यहाँ इसको रन करते हैं, देन आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम वी आर गेटिंग दिस इन ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन आ चुका है हमारे पास। और आप देखें अभी हमारे पास 5 वोल्ट्स आ रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट ऑफ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको इसकी प्रेजेंट वैल्यू को चेंज कर देते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू को हम यहाँ पर देते हैं कि अच्छा अभी हमने सपोज़ किया हुआ कि हमारे पास जो सेंसर है वो 0 to 5 वोल्ट्स का है, इसलिए हमने 400 को डिवाइड करा। मैं यहाँ पर 200 रखता हूँ, सॉरी 200 हमारे पास ये आ चुका है, और स्पेस नहीं देना है यहाँ पर K200। अब जैसे ही मैंने K200 दिया तो क्या हुआ, आप ऊपर देख सकते हैं कि 200 जो है मूव हुआ D0 में, और D0 जो है डिवाइड हुआ 200 यानी 400 से डिवाइड हुआ, तो ये 0.5 आना चाहिए लेकिन फ्लोटिंग में नहीं हो रहा है इसलिए इसने 0 दिया। तो 0 क्या है, विच इज़ लेस देन 2। आप देख सकते हैं हमारे पास कमांड क्या है कंप्यूटर की, अगर हमारे पास 2 से लेस वैल्यू आ रही हो D10 में तो हमारे पास आउटपुट ऑन होना चाहिए। यस ऐसा ही है, D10 में हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है विच इज़ लेस देन 2, तो ये ऑन है। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाने के बाद हम इसको 400 करते हैं। देखिए 400 जैसे ही करा तो ये मूव हुआ, और अगेन 400 से डिवाइड होता है, 400 D0 वाला जो है वो हमारे कांस्टेंट 400 से डिवाइड हुआ विच इज़ प्रोवाइडिंग अस 1, 1 वोल्ट आ रहा है हमारे पास, और ये 1 वोल्ट जो है 2 वोल्ट से छोटा है इसलिए हमारे पास आउटपुट कॉइल ऑन है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा बढ़ाते हैं 600 करते हैं, तो अब देखें हमारे पास क्या होगा, 600 की वैल्यू आई यहाँ पर, और 600 अगेन 400 से डिवाइड हुआ, और ये समथिंग 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू इसको देनी चाहिए थी जो कि दे नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये फ्लोटिंग में नहीं है। 800 क्या, 800 जैसे ही क्या 800 400 से डिवाइड हुआ 2 आया, और अब ये कंडीशन मीटअप नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2 से छोटी नहीं, एग्जैक्ट 2 है, ठीक है। तो ये आउटपुट हमारा ऑफ हो चुका है। तो ये कंपैरेटर की एप्लीकेशन थी, आप इसको इस आउटपुट को आप एक जो है क्या नाम है, आप एक यहाँ पर AC या फिर आप इसको जो है आपका हीटर के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं कि आपका ये हीटर है और ये जो प्रोग्रामिंग है आपके टेम्परेचर सेंसर से आपके पास वैल्यू आ रही है, तो इस तरह आप इसको एक सेंसिंग एलिमेंट बना के ऑन ऑफ की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ आई हो, आगे की वीडियोज़ भी मैं एनालॉग आउटपुट के ऊपर बनाऊंगा, और फर्दर जो है स्पेसिफिकेशन जो है इसकी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू। इस